नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम का सबसे पॉपुलर डिबेट शो 10 का दंगल और मैं हूं आपके साथ अंजीत। कानपुर में हुई हिंसा के बाद तेजी के साथ हालात सामान्य बनाने की या रखने की कोशिश जारी है। अब तक 18 गिरफ्तारी हो चुकी है। बंद बुलाने के नाम पर पत्थरों का जखीरा, हथियारों का इस्तेमाल और फायरिंग साफ इशारा है कि यह बड़ी साजिश है। पीएफआई का एंगल भी जुड़ रहा है, लेकिन ऐसी हिंसा जिसमें हिंदुओं के नाम पूछ पूछ कर उन्हें मारा पीटा गया, कट्टरपंथियों का तांडव दिखा, उसकी निंदा करने की बजाय एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार बताकर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर डाली। हैरानी इसलिए है क्योंकि आज हम दंगल में पूछेंगे, कानपुर में एक्टिव दंगा गैंग पर किसका हाथ है? हिंदुओं को धमकाने वालों का आखिर हिसाब किताब कब पूरा होगा? इस पूरी रिपोर्ट में हम जाएं और कानपुर का भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो आपको दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं। कानपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो आपको बताते हैं। कानपुर हिंसा से जुड़ी अहम खबर, कानपुर हिंसा मामले से जुड़ी एक जानकारी आ रही है वो भी आपको देते हैं। 18 गिरफ्तारी हुई और 36 लोगों की इस पूरे मामले में पहचान हुई है। 40 नामजद हैं और 1000 से ज्यादा अज्ञात पर FIR दर्ज हुए। हिंसा में अब तक 2 लोगों ने FIR दर्ज कराई है, 2 FIR पुलिस की तरफ से और 1 FIR दुकानदार की तरफ से कराई गई है। इस बीच इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बताते हैं। अहम खबर कानपुर से, कानपुर हिंसा से पहले मौलानाओं की बैठक हुई थी और बैठक में क्या रणनीति बनी थी ये भी हम आपको बता देंगे। जी हिंदुस्तान के पास बैठक की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। बैठक में हयाज जफर हाशमी भी शामिल हुआ था। हयाज जफर हाशमी की पुलिस तलाश कर रही है लगातार, कल से हिंसा के मास्टरमाइंड हयाज जफर हाशमी की तलाश जारी है और वो तस्वीरें भी आई, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बैठक हुई। ये वो तस्वीर देखिए कानपुर में, ये जो पूरा बवाल कल हुआ उससे पहले मौलानाओं की बैठक हुई थी और हाशिम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जफर हाशमी आपको बताने की तस्वीरों में आपको दिख रहा है। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कल से लेकर अब तक आखिर हुआ क्या है और आगे क्या होने वाला है, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर दंगा गैंग एक्टिव हो गया, एक बार फिर कट्टर पंथियों की जमात आग लगाने पहुंची, एक बार फिर PFI की खूनी साजिश का तांडव दिखा। कानपुर के जिस यतीम खाने में कल हिंसा हुई वहीं पर CAA NRC के नाम पर बवाल की शुरुआत हुई थी। बेकनगंज इलाके के यतीम खाना बाजार में जुमे की नमाज के बाद करीब 1000 लोगों ने 5 घंटे तक उपद्रव किया। बाजार बंद करने की अपील पर पथराव तोड़फोड़ करते हुए दुकानों को लूट लिया गया। फायरिंग और पत्थरबाजी में 7 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव हुआ, जबकि यहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर कानपुर देहात के परौह गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, PM नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस बवाल की साजिश 9 दिनों पहले शुरू हुई थी, जिसमें नुपुर शर्मा के बयान की मुखालफत के बहाने कट्टर पंथियों ने खतरनाक साजिश रची। कानपुर में जगह जगह पोस्टर लगाकर 3 जून को बंद का आह्वान किया गया। मुस्लिम समुदाय को भारी संख्या में जुटकर बंद सफल बनाने की उनसे अपील की गई। पोस्टर में अपील करता सभी आशिकाने रसूल यानी सभी पैगंबर के चाहने वाले और MMA जौहर फैंस एसोसिएशन का जिक्र है, जिसके अध्यक्ष हयात जफर हाशमी हैं। जिसका नाम हाशमी आ रहा है, क्या उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी नहीं है, हम गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ, CCTV और मोबाइल फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, उनके घरों पर बाबा का बुलडोजर चलेगा, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कैसर का कहना है कि PFI ने स्थानीय अपराधियों की मदद से यह हिंसा फैलाई, पुलिस के पास भी इसे लेकर इनपुट है। कानपुर हिंसा पूर्व नियोजित साजिश बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है उपद्रवी ठेले में पत्थर लेकर आए थे, बाजार बंद करने की आड़ में हिंसा की साजिश रची गई। उनके निशाने पर हिंदू आबादी थी, उपद्रवी पहले नाम पूछ रहे थे और हिंदू होने पर पिटाई कर रहे थे।
लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस हिंसा को लेकर किए गए अपने ट्वीट में अशांति के लिए बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार बताकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन ट्वीट में कहीं ये नहीं लिखा कि कानपुर में हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी ऐसी हिंसा की मजम्मत करने के बजाय इस पर अभी से सियासत शुरू हो गई है, जबकि पोस्टरबाजी करने वालों ने फिर 5 जून को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 10 का दंगल में कुछ सवाल हम पूछेंगे इस हिंदुस्तान पर, एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कानपुर में एक्टिव दंगा गैंग पर आखिर किसका हाथ है? सवाल ये भी है, क्या जफर हाशमी ने कानपुर जलाने की साजिश रची है जिसकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है पुलिस? कट्टरपंथियों के तांडव पर आखिर सियासत क्यों? साथ ही हम पूछेंगे बंद की अपील में पत्थरों हथियारों का आखिर जमावड़ा कैसे लग गया? साथ ही पूछेंगे बंद बुलाया तो हिंदुओं का नाम पूछकर आखिर क्यों हमला किया? ये वो तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हिंदुओं को धमकाने वालों का आखिर हिसाब कब होगा, ये भी आज सवाल हम पूछेंगे। ये सारे सवाल हम पूछेंगे, लेकिन सीधे सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। और ग्राउंड जीरो पर मेरे दो सहयोगी इस वक्त कानपुर से जुड़े हैं, मेरे साथ प्रिया सिंह और साथ ही मेरे सहयोगी तुषार इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रिया, क्या हालात हैं इस वक्त? सब सामान्य है या अभी भी कोई दिक्कत? अंजीत, देखिए इस वक्त मैं ग्राउंड पे मौजूद हूँ, कानपुर का वो इलाका जहाँ पर कल हिंसा हुई थी, और स्थिति इस वक्त मैं आपको दिखा दूँ कि बिल्कुल नॉर्मल है। ट्रैफिक भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। हालांकि जो दुकानें हैं वो जरूर आपको बंद नजर आएंगी। पुलिस ने आह्वान किया बिना जरूरत के आप घरों से बाहर मत निकलिए। ये वो इलाका, ये वो एरिया है, ये सड़क आप मेरे पीछे देख रहे हैं जहाँ पर कल हिंसा हुई थी। प्रशासन यहाँ पर है, लगातार मार्च भी पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। देखिए घोड़े पर सवार होकर के भी आपको जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर नजर आएंगे, किस तरीके से प्रशासन की यहाँ पर मुस्तैदी की गई है। और बार बार थोड़े थोड़े वक्त पे जो इस तरीके के मार्च है वो लगातार किए जा रहे हैं, फुल फोर्स के साथ भी मार्च किया जा रहा है, और ऐसे भी लगातार जो गलियों में सड़क पे है मार्च वो किया जा रहा है। निगरानी प्रशासन की तरफ से बनाई गई है, कल को लेकर के भी पूरी तैयारी है, क्योंकि कुछ इस तरीके के पोस्टर्स भी लगाए गए थे जेल भरो इस तरीके के, और इसके अलावा इन पोस्टर्स को हालांकि हटा दिया गया है। अब जो कल हिंसा हुई है उसके बाद से एक बार फिर जब 5 तारीख की ये तैयारी और प्लानिंग की गई थी कि फिर से हिंसा किया जाएगा, इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, तो प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी है। और अब लोग जो काम से बाहर निकल रहे हैं वो आराम से आ जा भी रहे हैं, लेकिन बेवजह लोग सड़कों पर ना घूमे इसको लेकर के पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। देखिए इस तरीके से मोहित, ये तस्वीर दिखाई है, इस तरीके से लगातार जो पुलिस है वो मार्च करती हुई भी इस इलाके में इस वक्त नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त मैं सीधा आपको ग्राउंड से दिखा रही हूँ, स्थिति सामान्य है, रोज वाले हालात बिल्कुल ठीक है। तुषार भी मेरे साथ है। तुषार, पुलिस को क्या इनपुट मिल पाया है, ये बवाल क्यों बढ़ गया? बिल्कुल, देखिए पुलिस के बात करें तो पुलिस ने अब तमाम साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं, पुलिस के पास तमाम वीडियो जा चुके हैं, कोई छत पर से पत्थर फेंक रहा है तो कोई पुलिस को घेरने की कोशिश कर रहा है, पुलिस अब सारे क्लू खोज चुकी है। पुलिस को वो वीडियो मिल चुका है जो नमाज से पहले जो मीटिंग की गई थी, और मीटिंग में जिस तरह से लोगों को उकसाया गया था वो वीडियो मिल चुका है। ठेले पर पत्थर लेकर आए थे, असलहे लेकर आए थे, PFI कनेक्शन भी अब धीरे धीरे सामने आने लगा है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर CA NRC की हिंसा हुई थी और यहीं से शुरुआत हुई थी। और ठीक हमारे पीछे तो इसी जो पुलिस चौकी है इसको सीए हिंसा में फूंक दिया गया था। घोड़ों पे सवार होकर पुलिस अब चारों तरफ पेट्रोलिंग कर रही है, किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है योगी सरकार। अगर बात करें तो पुलिस के पास जो इनपुट आया है उसमें ये साफ हो चुका है कि ये वेल प्लान्ड था, और जो मौलाना है उसने लोगों को पहले से तैयार किया और उसी ने लोगों को उकसाया कि आप हिंसा करिए और हिंदू पक्ष के ऊपर पत्थरबाजी करिए जिससे कि बवाल हो जाए। मुद्दा यह था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कानपुर में मौजूद थे, और इस समय इस तरह के हिंसा होना कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की बात थी कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो योगी सरकार संभाल नहीं पा रही है, और इसी वजह से ये हिंसा को अंजाम दिया गया था। पूरी तैयारी के साथ इस हिंसा को अंजाम दिया गया था, नमाजी पत्थर लेकर आए थे, असलहे लेकर आए थे, उनके पास भारी संख्या में कारतूसें थी, उनके पास पेट्रोल बम भी थे, और वो सब कुछ उन्होंने
बरसाए, वो आम हिंदुओं के ऊपर भी बरसाए और पुलिस कर्मियों के भी ऊपर बरसाए। कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं, कई हिंदू भी घायल हैं जिनकी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अब पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, उनको तलाशने की कोशिश कर रही है, उनकी पहचान की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर उनको देखा जा रहा है कि कौन लोग थे, कौन थे ये जो लोग। ठीक है तुषार, आप नजर बनाए रखिएगा, प्रिया सिंह आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैं अपने मेहमानों का रुख कर रहा हूं, जो मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए। मेरे साथ भुवन जोशी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, साथ ही मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं राकेश सिंह साहब, राजनीतिक विश्लेषक, का बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ राहुल लाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है सर। मेरे साथ अजय वर्मा जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता, साथ ही हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राकेश जी, पहला सवाल आपसे ही, इतनी बड़ी घटना हो गई, पत्थर मतलब जुटाए जा रहे होंगे, फायरिंग भी कल खबर आई थी कि फायरिंग भी हुई थी, इसका मतलब यह है कि पुलिस को कुछ पता ही नहीं था कि वहां क्या हो रहा है? नहीं देखिए, पुलिस को अगर पता ना होता तो कल घटना हुई और आज ही वो कंट्रोल में है, आप ही के रिपोर्टर ये रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वहां का जो कानून व्यवस्था है वो सरकार के नियंत्रण में है, प्रशासन के नियंत्रण में है। लेकिन सवाल ये होता है, कश्मीर से लेकर कानपुर तक एक ही चीज क्यों होती है, क्यों चुन चुन को मारा जा रहा है? तो समस्या सरकार है, समस्या ये नहीं है, समस्या ये नहीं है कश्मीर से लेकर कानपुर तक। अगर कोई आप निंदा करते हैं, आप नूपुर शर्मा का बयान की निंदा करते हैं, नूपुर शर्मा ने क्या, शर्मा का बयान सही है, नूपुर शर्मा का बयान सही है, आप बताइए क्या गलत था? भावना भड़काने वाला बयान क्या? अगर तर्क हो रहा है, तर्क हो रहा है, संवाद हो रहा है, अभी यहां पे सवाल पूछा गया, सवाल का आपने जवाब ही नहीं दिया। अगर ये बताइए कि 9 दिन से तैयारी चल रही थी, रोज मुसलमान 9 दिन से तैयारी की, अगर पुलिस से सवाल भी ना पूछा जाए, सभी लोगों को कोसता है, आपको पता है फतिया में क्या है? मैं एक बात राहुल लाल आपसे पूछ रहा हूँ, तर्क और संवाद से भागेंगे। अगर किसी ने कोई बयान दिया, मुझे नहीं पता, उसके उसमें पुलिस कार्रवाई कर सकती है, उसमें देश में जुडिशरी है, कार्रवाई नहीं हो रही ना, चलाएंगे कार्रवाई नहीं हो रही ना, पत्थर चलाएंगे, पत्थर चलाने का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। सवाल तो यही पूछे जा रहे हैं कि वो पत्थर पहुंचे कैसे, अगर पत्थर पहुंच रहे फिर पुलिस कहां थी? आप ये सवाल करेंगे, पत्थर चलाएंगे, मैं कह रहा हूं कार्रवाई होगी, पत्थर चलाएंगे, आप हिंसा करेंगे, आप हत्या करेंगे, आपने बड़ा जोर शोर से घोषणा किया कि कानपुर का कमिश्नर पुलिस सिस्टम बंद हो गया, आपका संवाद में भरोसा नहीं है, आपका संवाद में भरोसा नहीं है, तर्क में भरोसा नहीं है, अदालत में भरोसा नहीं है, संवाद में आप लोगों का भरोसा नहीं है। अरे वो पत्थर जो उठा रहे हैं, जो कश्मीर में है, जो कानपुर में है, वो लोग कौन है? आप जैसे लोग, आप जैसे लोग खड़े होते हैं, आप जैसे लोग खड़े होते हैं उनके समर्थन में, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, आप कट्टर हैं, आपकी सोच कट्टर है, आप तुष्टिकरण का काम करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से कंप्लीट करिए। एक बेसिक सवाल, देखिए स्टेट में सरकार किसकी है? बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार है, 9 दिन से वहां पे पत्थर जमा किए जा रहे थे, तो क्या इतना सच सवाल भी नहीं पूछ सकता मैं? जमा करने वाले साथ आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, जमा आप करवा रहे हैं, आप उनको कोस नहीं रहे हैं, जो पत्थर चला रहे हैं उन पर कुछ नहीं कह रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहा उनसे आप, अजय वर्मा जो पत्थर जुटा रहे थे, जो पत्थर फेंक रहे थे उनसे आप लोगों का कोई सवाल नहीं है, सवाल उससे है जिसके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, कमाल है साहब ये तो। नहीं उससे नहीं, सवाल सरकार से पूछिए। अजय वर्मा जी नमस्कार जी, बताएं सर। देखिए सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं लेट जुड़ा, माफी चाहता हूँ, मैं आप दोबारा सवाल रिपीट करें, मैं सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ आप सवाल उनसे पूछते हैं जो पत्थर खा रहे थे, आप सवाल उनसे पूछते ही नहीं जो पत्थर जुटा रहे थे और जो पत्थर मार रहे थे। हम लोग सवाल ना उनसे पूछते, हम लोग तो कौमी एकजहती के नाम पर कोई भी आदमी हो हिंदुस्तान का, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उससे सवाल पूछेंगे जो इसके षड्यंत्र में होते हैं, हम उनके ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे जो ये करने वाले होते हैं जिनके पीछे दिमाग चलता है, और हम झूठे लोगों को जो फंसाते हैं लोग उस पर हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आखिर तो झूठे लोगों को, छोटे लोगों को और गरीब लोगों को फंसा दिया जाए। बोल सकते हैं आप, बोले ये बताइए, आप सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, कोई बात नहीं है, और देश को भी एक जैसी को आप क्यों नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं?
मैंने संजय राणा, मेरा आपसे भी सवाल है, राहुल लाल ने इसमें क्या गलत कहा कि 9 दिन से अगर कोई पत्थर जुटा रहा था तो आप सो रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आपकी तो पुलिसिंग व्यवस्था बहुत अच्छी है ना कानपुर में, आपने कमिश्नर सिस्टम कर दिया था। अरे सर मैं कह रहा हूँ कि पत्थर अगर पत्थर जुटाए जा रहे तो सो रहे थे आप लोग, क्या कर रहे थे भाई? पुलिस सो रही थी, क्या कर रही थी? हिंदुओं के नाम पूछ पूछ कर क्यों अटैक कर रही थी? बेकनगंज हो गया, चमनगंज हो गया, ये जो कानपुर के बजरिया थाने के यहाँ पे दंगे हुए क्या ये मुस्लिम बहुल इलाके यहाँ पे? अबे तो मुस्लिम बहुल इलाके में पुलिस काम नहीं करता क्या समझ रहा ना जी? मुस्लिम बहुल इलाके में तो पुलिस काम करेगी ना, और वो भी वो समय था याद रखिए जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री उस समय कानपुर में मौजूद थे, देश के राष्ट्रपति कानपुर में मौजूद थे, राज्य के मुख्यमंत्री कानपुर में मौजूद थे, उनके भी सुरक्षा का सवाल है। संजय राणा जी आप केवल हिंदू मुस्लिम करके भाग नहीं सकते, ये तमाम तनाव उससे पैदा हुआ है जब पूरे देश के शीर्ष नेतृत्व कानपुर शहर में मौजूद थे, वहां से केवल कुछ किलोमीटर के दूर पर मौजूद थे, कैसे सुरक्षा है ये? कैसी सरकार चल रही है ये? कौन सा रूल ऑफ लॉ चल रहा है बताइए आप? आपने हिंदू मुस्लिम देख लिए, अरे मुस्लिम क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम नहीं है क्या? आपने थाने केवल हिंदू बहुल क्षेत्र में चलते हैं क्या? मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आपने थाने में ताला लगा के रखा है क्या? सर देखिए सुनियोजित प्लानिंग थी आपको पता होगा कुछ दिन पहले, सर सुनियोजित था तब तो और पहले पुलिस को पता चल जाना चाहिए, सुनियोजित था तब तो और पहले पुलिस को पता चल जाना चाहिए था। नहीं नहीं मैं भुवन जोशी आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूँ, फिर मैं रणवीर जी के पास जाऊंगा। ओके सर मैं भुवन जोशी जी के पास जा रहा हूँ। भुवन जोशी जी सर मैं आ रहा हूँ। भुवन जोशी जी पूरे जगह पे जाकर क्या भुवन जोशी जी भुवन जोशी जी अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, मैं वो ट्वीट पढ़ के आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा महामहिम राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नगर में रहते हुए पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता से बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान से कानपुर में जो अशांति हुई उसके लिए बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भाई साहब ट्वीट में एक लाइन ये नहीं लिखा गया, हाथ कांप गए लिखने में, जो पत्थर मार रहे थे उनकी भी गिरफ्तारी हो? अरे ये जिंदगी में बोल नहीं सकता, इलाज टोपी वाला कुछ नहीं बोल। जरा ये सज्जन जी बोल रहे हैं, इनसे कहिए जब अपना टाइम आए तब बोलिए सभी लोगों की। भुवन जोशी जी प्लीज कंप्लीट, भुवन जोशी जी पहले बोलेंगे फिर कोई बोलेगा। संजय जी एक मिनट प्लीज, संजय जी एक मिनट प्लीज, मैं आपको अधिकृत रूप से बताना चाहता हूँ कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। नुपुर शर्मा जी द्वारा बयान करके मोहम्मद पैगम्बर साहब के बारे में आपने बयान किया, नहीं भुवन जोशी आप इतिहास में क्यों जा रहे हैं? पहले क्या हुआ मैं कह रहा हूं, अगर कोई गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर आपका एक लाइन लिखने में जिन्होंने पत्थर फेंका उनकी गिरफ्तारी, हाथ कांप गए आपके, ये नहीं लिखा गया सर आपसे। एक मिनट संजय राणा जी एक मिनट प्लीज, उनको कंप्लीट कर दिए, ऐसे में बहस नहीं हो पाएगी। संजय राणा जी प्लीज भुवन जोशी जी कंप्लीट करिए, ठीक है आप सर सवाल का जवाब जी प्लीज। मैं आपसे कहना चाहता हूँ शुरुआत यहाँ से हुई, हमने ये नहीं कहा कि जिन्होंने पत्थर फेंके उन्होंने बहुत काम करा। और एक बात, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, लॉ ऑर्डर फेल हुआ है। मैं सर सहमत हूँ आपकी बात से, मैंने एक के बाद एक कई सवाल पूछे, एक सुनियोजित था तब भी पुलिस की जिम्मेदारी थी, पत्थर जुटे तब भी जिम्मेदारी थी, आप पैनल में मेरे साथ शुरू से जुड़े आपने सुना होगा। मेरा सवाल सिर्फ भुवन जोशी जी, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा गिरफ्तारी, आप कहिए सर कोई दिक्कत नहीं, आपसे आपके मुंह से ये क्यों नहीं निकलता कि जो पत्थर फेंक रहे थे उनकी भी गिरफ्तारी हो, वो क्या दोषी नहीं है सर? हम ये बोल रहे हैं योगी जी का बुलडोजर उन पर भी चले, जिनके बयान की वजह से हिंसा हुई है उन पर भी चले। राकेश जी इनकी मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा जो पत्थर फेंक रहे थे। अभी भी आप नहीं कह पा रहे कि जो पत्थर फेंक रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो, अभी भी आप नहीं कह पा रहे हैं। अखिलेश यादव को छोड़िए, अगर कुरान में हदीस में कोई चोट करता है तर्क देता है तो आप उसको काटिए। अगर रामायण में
रामायण में कोई बात कही गई है, अगर रामायण में कोई बात कही गई है उसको आप कोट करिए, धर्म भंग हो गई। आप कैसे हो गई? कुरान में हदीस में अगर कोई कोट करता है तो आप कह रहे हैं धर्म भंग हो गई। तर्क की बात नहीं करते हैं आप, आपने तर्क की बात करते हैं, ना संवाद की बात करते हैं, ना कानून की बात करते हैं, ना संविधान की बात करते हैं। आप शरीयत को मानते हैं, आप शरीयत को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते। राहुल लाल जी शरीयत को मानते हैं? बिल्कुल मैं शरीयत को नहीं मानता हूँ। शरीयत में आप और मोहम्मद साहब के बारे में क्या कहा था? कुछ नहीं कहा। अगर आपके पुलिस कमिश्नर राहुल जी, मेरा राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, मैं बात कर रहा हूँ सर। अगर कोई कुछ चीज राकेश जी, राकेश जी ये एक्सपोज हो रहे हैं, आप इस बात को समझिए आप, और बहुत कायदे से एक्सपोज रहे। जरा ये तस्वीर जो कल पत्थर वाली थी, अगर मिल जाए तो जरा इस पीछे डालिएगा इसको, मैं एक बार राहुल जी को भी दिखाना चाहता हूं। आप देखिए ना, पॉलिटिकल पार्टियां ही ऐसी सियासत होती है राहुल जी, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि जो पत्थर फेंक रहे उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नहीं, एक चीज ये बताइए, वो नहीं, मेरा आने भाई जो ये देखिए ना, ये देखिए, अब मैं पूरा घटना का, अरे आप ये देखो ना, आप सर ये देखो ना, सड़कों पे पत्थर देखो, ये दशा देखो, ये देखो, लेकिन अब ये लोग हैं, ये सर मैं कह रहा हूं, अब ये क्यों कर रहे हैं आप? किस पक्ष ने फेंका ऐसे व्यक्तियों के समर्थन? सुनिए राहुल जी किस पक्ष ने फेंका? आप इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढने लगे? मैं कह रहा हूं, मैंने तो ये कहा नहीं हिंदू मुसलमान, कश्मीर, मैंने कहा जिन्होंने पत्थर फेंका। राहुल लाल जी, कश्मीर से लेकर कानपुर तक चुन चुन कर हिंदू, मैंने तो कहा ही हिंदू मुसलमान। ये देखो, ये देखो सर, ये देखो, ये हालात है सर उनको, और भी आपको लगता है? ये बताइए, ये पत्थर चल रहे हैं वहाँ पे, चलिए मैं मान रहा हूँ, आखिर ये पत्थर चलने की परिस्थितियां क्यों आई? मैं यही सवाल तो मैं कह रहा हूँ सर, स्थितियां कोई भी परिस्थिति हो, ये सर कोई भी परिस्थिति हो, आप कानून व्यवस्था, आप कानून व्यवस्था हाथ में नहीं ले सकते। परिस्थिति कोई भी हो सर, कोई भी परिस्थिति हो, आप कानून व्यवस्था हाथ में नहीं ले सकते। पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है, हाथों में क्यों है? अच्छा ठीक है, अरे सर उनके हाथों में क्यों है? मैं कह रहा हूँ सरकार की जिम्मेदारी, शिक्षक है, मैं कह रहा हूँ सरकार की जिम्मेदारी, हाथों में पत्थर है, मैं कह रहा हूँ सरकार की जिम्मेदारी है। आपके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है कि जो पत्थर फेंकर उनकी गिरफ्तारी हो? मैंने तो नहीं कहा हिंदू मुसलमान, आप किस पक्ष से फेंका गया? आप ही कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि पूरा जांच पड़ताल के बाद ही तो पता चलेगा ना। अच्छा, इसमें भी आप, अच्छा उसमें भी में नहीं जांच पड़ताल, इसमें जांच करेंगे आप, बिल्कुल जांच देख रहे हैं आप कौन लोग हैं, 9 दिन से साजिश चल रही है, एक शब्द मुंह से फूट नहीं रहा है, उनकी निंदा तो कर नहीं पा रहे हैं। अजय वर्मा जी बोल नहीं पा रहे हैं, अजय वर्मा जी बताओ, जो ये पत्थर फेंक रहे हैं इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ना होनी चाहिए? अजय वर्मा जी ये थोड़ा चुप तो रहे भाई, बोलिए अजय वर्मा जी। अंजी देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और हाई सिक्योरिटी, जैसे जम्मू में कही थी, और उसके बाद कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं, कानपुर में जब ये हुआ तो हाई सिक्योरिटी कहाँ चली गई योगी जी की? एक नंबर दो, ये पत्थर फेंक रहे हैं, ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है, इसी में इनके ही कार्यकर्ता निकलेंगे। जांच कराइए इसकी, लोग कह रहे हैं हमसे कानपुर का फोन आया अभी। अरे फोटो वायरल हो रही है, आप कहाँ की दुनिया में बैठे हैं? अरे फोटो वायरल, आप बताइए ना कौन सा नेता शामिल है बीजेपी का? अब ये तो जांच एक बार सवाल नहीं है, एक बार सवाल तक कर नहीं पा रहे हैं आपने, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, पत्थरबाजों से आप भी डरते हैं, पत्थरबाजों से आप भी डरते हैं, ये आपके ऊपर भी अजय जी पत्थर बरसाता है, पत्थरबाज से आप भी डरते हैं। चलिए अजय वर्मा का फ्रेम चला गया। अजय वर्मा जल्दी से कंप्लीट करें, फिर मैं अंग्रेज साहब के पास भी जाऊंगा, बहुत देर से उनके पास नहीं गया हूं। और हिमाचल के चुनाव में पहुंचना चाहिए, इसलिए ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत। अरे बीजेपी को किनारे रखो, पत्थरबाज से क्यों डर रहे हो? अरे आप एक शब्द कह दीजिए कि पत्थरबाजों को गिरफ्तार करो। पत्थरबाजों से आप डरते हैं, अजय वर्मा डर रहे हैं, कोई नहीं डरता पत्थरबाजों से। एक बार आप लोग कार्रवाई कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? आपको भी डर है, फतवे का डर है अजय जी, फतवे का डर है, राहुल लाल जी को फतवे का डर है, जो दोषी है फतवे का डर है। राहुल जी सर कलम हो जाएगा। रंगेश साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, बड़ा सुन लीजिए 30 सेकंड। अच्छा अच्छा ठीक है, कंप्लीट 20 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। अजय वर्मा जी कंप्लीट करिए आप। पत्थरबाज जो भी हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसमें चाहे अजय वर्मा हो या ये जो बोल रहे हैं ये। रंगेश साहब मुझे ब्रेक पर जाना है, इसलिए मैं एक छोटा कमेंट आपसे चाहता हूँ। ये क्यों बवाल हो रहा है सरकार की, पत्थर फेंकने की जरूरत क्या पड़ गई?
फेंकने में के पीछे और इस दंगे को कराने में। देखिए ये पूरा प्रायोजित मामला था, बीजेपी का नेता जिसका नाम प्रकाश शर्मा था उसने बाकायदा वो वहीं पे खड़ा था, प्रोटेस्ट बहुत प्यार मोहब्बत से और अमन चैन से चल रहा था, प्रशासन ने मना किया, वहां के लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया, मगर अचानक से जो प्रकाश शर्मा आया और उनके और जो उनके साथ में जो कार्यकर्ता थे भाजपा के उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, फिर दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया, पथराव की नौबत आई। क्यों असली वजह क्या है? असली वजह है नपुर शर्मा पे कार्रवाई ना होना। जब कोई किसी की आस्था को ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? चलिए मुझे रंगेश साहब ब्रेक पर जाना पड़ रहा है और भाजपा रंगेश साहब से ब्रेक पर जा रहा हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 10 का दंगल आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बताते हैं। कानपुर हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है, सीसीटीवी में उपद्रवी नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया है, दुकानों में तोड़फोड़ की और हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। अब इन्हीं तस्वीरों के जरिए पुलिस उन उपद्रवियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दुकानों में जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें, सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं जब पत्थर चला जा रहे हैं। जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे पत्थरबाजी हो रही है। देखिए कैसे आप जो लोग हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं और इन सब की पहचान पुलिस कर रही है और एक एक करके उन लोगों की पहचान पुलिस कर रही है जब इनकी गिरफ्तारी होगी। तस्वीरें आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कल की ये तस्वीरें जब कानपुर में पूरा बवाल सामने आता है। ये तस्वीरें देखिए, ये तमाम लोग हैं, ये देखिए, ये पूरे सड़कों पर आपको पत्थर नजर आएगा और पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति के हाथ में आपको पत्थर नजर आएगा और ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं आगे बढ़ते हुए पत्थरबाजी। और ये देखिए, और उसके बाद आपको बता दें कि दुकानों में भी लूटपाट की। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है कानपुर हिंसा जुड़ी हुई, कानपुर हिंसा का सबसे नया वीडियो सामने आया है, बड़ी और अहम खबर। पथराव के लिए ठेले से पत्थर लाए गए थे, ठेले पर पत्थर का वीडियो सिर्फ और सिर्फ जी हिंदुस्तान के पास है। कानपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर, ठेले पर पत्थर लाए गए थे, ये तस्वीर आप देखिए, ये देखिए ये ठेला और इस ठेले पर पत्थर लेकर के आए गए थे। आप अंदाजा लगाइए जिनके मुंह से नहीं निकल रहा है कि इन पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, यहां से पत्थर उठाते हैं और पूरी सड़क आप देखेंगे, पूरी सड़क पत्थरों से पटी पड़ी, सड़क के इस तरफ और सड़क के उस तरफ दोनों तरफ, और ये ठेले से बकायदा पत्थर आता है। ये देखिए ये ठेला और यहाँ पर लोग जुटते हैं, यहाँ से पत्थर उठाते और फेंक रहे हैं उधर, यानी लोगों पर पत्थर फेंका जा रहा है, हिंदुओं के नाम पूछ पूछ कर पत्थर फेंके गए, दुकानों में लूटपाट हुई, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हैरानी होती है कि आखिर कानून का राज कायम करने की बात की जाती है, कानून का डर ऐसा नहीं हो सकता जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। और ये देखिए कुछ नकाबपोश भी हैं जिन्होंने अपने मुंह भी बांध रखे हैं, जिनकी तस्वीरों से आप पहचान नहीं कर सकते, लेकिन इनकी पहचान होगी। इस गलतफहमी में ना रहें कि अगर इन्होंने मुंह ढक रखा है तो इनकी पहचान नहीं हो सकती, इनकी भी पहचान होगी और कार्रवाई भी होगी जिसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। उन पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, लेकिन ये जो तस्वीर है वो बहुत हैरान और परेशान करती है कि देखिए ये पहचानिए कि ये कौन से लोग हैं, जो लोग कहते हैं पक्ष या विपक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं, इनको पहचानिए ये लोग कौन है, ये कौन से शांति दूत हैं जब ठेले पर पत्थर रख के लाया गया और बकायदा पत्थरबाजी की गई। और सिर्फ ये आगे की तस्वीर आप ठेले देखिए, पीछे जितनी दूर तक कैमरे की नज़र है वो सब आपको नजर आएगा पूरी तरीके से कि पत्थर ही पत्थर आपको नजर आएगा। और इन सड़कों पर देखिए, ये देखिए जहां तक कैमरे की नजर है ये पूरा पत्थर है, ये सड़क के इस पार या सड़क के उस पार दोनों तरफ पत्थर नजर आएगा। ठेले पर पत्थर लेकर के पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस पर भी पत्थर फेंका गया, बाकी लोगों पर भी पत्थर फेंका गया, हिंदुओं के नाम तक पूछे गए यहां पर, दुकानों में लूटपाट हुई, ये हालात हैं, ये दशा है कल कानपुर के बेगमगंज। और उसके बाद अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये क्यों बवाल हुआ, बवाल हुआ पत्थर फेंकने के लिए, पत्थर फेंकेंगे आप करेंगे। प्रिया सिंह इस वक्त मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के लिए, और जी हिंदुस्तान के पास जो सबसे नया वीडियो आया उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रिया, एक बड़ी बात यह है कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं इस वक्त और उन तस्वीरों में बहुत साफ साफ दिख रहा है कि पत्थर ठेले पर आए और फिर वहां से फेंका गया, अब तक पहचान हो पाई इन लोगों की जो लोग इसमें शामिल थे?
देखिए 33 ऐसे लोगों के नाम इसमें शामिल आए हैं, 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकियों की गिरफ्तारी जो है वो अभी की जा रही है, जांच जारी है। लेकिन लगातार जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, जो वीडियोस इस वक्त सामने आ रहे हैं, इनके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अच्छा अंजित, यही वो जगह जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं ना, यहीं पर इसी सड़क पर पत्थरबाजी हुई थी। दूसरी तरफ की मोहित जरा तस्वीरें आप दिखा दीजिए, पीएसी के जो जवान है उनकी तैनाती की गई है, गाड़ियों में भर करके जवान जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं इस वक्त जिस एरिया में मैं हूँ ये हिंदू इलाका है, और इसके ठीक दूसरी साइड जो सड़क आप जाते हुए देख रहे हैं, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, मुस्लिम इलाके, और इसी सड़क पर यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस चौकी भी। और देखिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अभी इस वक्त जा रहे हैं मौके पर, और ये देखिए जो इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये पेट्रोलिंग टीम है इस वक्त कानपुर पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस कानपुर की टीम पेट्रोलिंग करती हुई यहाँ पे आपको नजर आएगी। ये पूरी पुलिस इस वक्त पेट्रोलिंग करने के लिए जा रही है उसी जगह पर, ये पूरा वो इलाका जहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, और इस तरीके से पेट्रोलिंग की जा रही है। सुबह पैदल मार्च किया गया था, घोड़े पर भी पेट्रोलिंग की गई, और अभी ऐसे बाइक से जो पेट्रोलिंग है वो की जा रही है। इसकी तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ कानपुर से, जहाँ पूरी पुलिस फोर्स देखिए इस इलाके में इस वक्त गश्त कर रही है। कल जो हिंसक झड़प हुई थी, जो भी हिंसा भड़की, उसके बाद लगातार 5 तारीख का भी अल्टीमेटम दिया गया है कि इस तरीके से हिंसक झड़प होगी। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसी तैयारी चल रही है। 3 तारीख को जो हुआ वो आगे ना हो। देखिए पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी कहा गया है कि वो पूरी तैयारी कर चुके हैं, प्रशासन अलर्ट है, और हम देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या इस वक्त पीएसी के जवानों की और यहाँ यूपी पुलिस की है, तैनाती है यहाँ पर, यानी कि हर एक चीज पर नजर रखे हुए हैं, हर एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं। लोगों से अपील की जा रही है अगर जरूरत नहीं घर में रहें, लेकिन किसी को ऐसा बात नहीं किया जा रहा कि आपको काम है तो आप घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। लोग निकले हुए हैं, जो रोज दिनचर्या लोगों की वो भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन है और भयमुक्त माहौल है इस वक्त। कल जो हुआ उसकी तैयारी पहले से की गई थी, और एकदम से पहले दुकानों को बंद कराने की कोशिश की, दुकान बंद नहीं किए तो भीड़ कैसे दुकानदारों पे हावी हो गई ये भी हमने देखा, तोड़फोड़ होती है, झड़प होती है, और उतने में पत्थर चल जाते हैं। तैयारी पूरी थी और इसी मंशा के साथ ये हुआ। जुम्मे की नमाज के बाद ये सारी चीजें सब कुछ यहाँ पर भड़की है। ठीक है प्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास लौटेंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये लगता है कि जो पत्थरबाज हैं उनके पालने वाले लोग भी यहाँ हैं, और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको भी पाल रहे हैं, क्योंकि जो हालात हैं वो ये देख रहे हैं। वन जोशी जी, आपसे पहले सेगमेंट में ज्यादा बात नहीं हो पाई इसलिए आपके पास आ रहा हूं मैं, मेरा सवाल वही अटका हुआ है। ठेले पर पत्थर रख के लाया गया, पत्थरबाजी की गई, लेकिन एक बार भी नहीं कहा गया कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले हमारी जो मांग है, जो प्रदेश का सौहार्द जिसकी वजह से खराब हुआ है उनकी गिरफ्तारी हो, पहला नंबर। एक नंबर, नंबर दो, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी योगी सरकार की, आपने प्रश्न किया, मेरा सम्मान आपके प्रति आज बढ़ गया है। तीसरा मैं कहता हूँ कानून तोड़ने वालों पर उचित कार्रवाई हो, पर तो इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ये तो जरूर कहा, नुपुर शर्मा का नाम लिया, उन्होंने कहा गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये आपका अधिकार है, आप कह सकते हैं सर अगर कोई गलत है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन जो पत्थरबाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने एक लाइन नहीं कही सर। अखिलेश यादव के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर पृथ्वीराज चौहान की पिक्चर दिखाई जाएगी उसमें भी उनको तकलीफ है, उसमें अगर किसी हिंदू देवी देवता की फोटो दिखाई जाएगी उसमें भी उनको तकलीफ है, उनको बहस से इधर उधर नहीं जाएंगे। संजय राणा प्लीज बहस से इधर उधर नहीं जाएंगे। रंगेश साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये जो पत्थरबाजी कर रहे हैं कौन से शांति दूत हैं, और इनके खिलाफ आप लोग कब कहेंगे कार्रवाई करने के लिए? रंगेश साहब हम तो कार्रवाई के लिए बिल्कुल कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों तरफ से देखिए कितने पत्थर मारे गए, पुलिस की मौजूदगी में लोग पत्थर चला रहे हैं, पत्थर को एक ही तरफ से मारते हुए दिखा है, कितना बड़ा फेरी है शासन प्रशासन का रहा है ये, बिल्कुल पुलिस के साथ मिलकर पुलिस खुद पत्थरबाजी करवा रही हिंदू भाइयों से, उन्हें दंगाई बनाना चाहती है, इस देश में दंगाई बनाना चाहती है लोगों को, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम किया जा रहा है इस देश में। अरे जब प्रोटेस्ट चल रहा था या शांति पूर्वक चल रहा था तो वहाँ भाजपा के नेता प्रकाश शर्मा ने आज से नहीं
आज से नहीं डायरेक्ट एक्शन से लेकर आज तक डायरेक्ट एक्शन किया था, पथराव शुरू कर दिया। आप गैर मजहबी लोगों पर क्या राय रखते हैं, आपका इस्लाम क्या राय रखता है, जरा उसको बताइए। नूपुर शर्मा पर नूपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा, अपने गिरेबान में आप झांकिए, अपने गिरेबान में आप झांकिए। आप गैर मजहबी लोगों पर आपकी क्या राय है, जाहिल किस्म के आदमी, अरे जाहिल आप हैं, जाहिल आप हैं, जाहिल आप हैं, आपको एबीसीडी नहीं पता। गैर मजहबी लोगों पर आपकी क्या राय है, गलत बात, अरे आप जैसे लोग जाहिलियत का जाहिलियत का प्रभाव है, गलत गलत शब्द नहीं, आप किसी के लिए गलत शब्द नहीं, आप जैसे आप जैसे लोग इस्लाम को भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, और गलत नहीं जानते हैं। ये बताइए जुम्मे की जुम्मे के समय जुम्मे की नमाज में के बाद ही ये घटनाएं क्यों होती है, अगर वहाँ पे बंद की घोषणा। अरे ये आदमी शब्दों का भी मर्यादा नहीं जानता, आप नहीं जानते शब्दों की मर्यादा, कोई 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 गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, सम्मान होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, संविधान से चलेगा। आप बताइए, मैंने पूछा, बताइए लोगों को शांतिपूर्ण आप बताइए गैर मजहबी लोगों का कुरान में क्या करना चाहिए, बिल्कुल है क्या है? ना ना बिल्कुल, वहाँ पे सब कोई भी धर्म किसी को लड़ने कुछ नहीं पता है, किताब भी नहीं दूंगा, छोड़ दीजिए, आपको लगता है आप जैसे लोग, आप जैसे लोगों ने इस्लाम के युवाओं, इस्लाम के युवाओं को हटकाया है, देश का उनके हाथ में, उनके हाथ में नहीं पत्थर पकड़े हैं। सवाल यह है कि दोषी लोगों को कब दंडित किया जाएगा, यह सवाल है, यह सवाल पूछने की हिम्मत है आपको, सबको दंडित देगा। राहुल गांधी अखिलेश की सरकार नहीं है, एक मिनट, भुवन जोशी जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपने बड़ी शानदार बात कही थी पिछली बार, दूसरा सवाल कर रहा हूं, मैं चाहता हूं शॉर्ट में ही जवाब दें इसका। ये जितने लोग पत्थर फेंक रहे हैं, इन पर बुलडोजर अगर चले तो आपको कोई तकलीफ? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जिनकी वजह से स्वभाव खराब हो, जिन्होंने कानून तोड़ा, उनके सब पे बुलडोजर चला। अजय वर्मा, बुलडोजर चलता तो आप ही को तकलीफ होती सबसे ज्यादा? अंजीत जी, जो मेरे पास फोन आए हैं कानपुर देहात और देहात से, बीजेपी का षड्यंत्र इसमें निकल रहा है और जाहिर हो रहा है, तो मैं निंदा करता हूँ बीजेपी के। आपने जांच कर ली, इस मामले में आपने जांच कर ली, निर्णय दे दिया, आप जांच कर रहे संजय राणा और अजय वर्मा। देखिए, अंजीत जी, बड़ा लगता है इनके कांग्रेस के पास एक अजीब किस्म का इत्रस्मी है, तुरंत जान जाते हैं कि भैया किसने अटैक किया, किसने करवाया। अरे भाई, आपको कश्मीर में जीता, आपको राजस्थान में जीता, आपको महाराष्ट्र में हिंदुओं का चाक नहीं जीता, और आपको तुरंत भैया लाइसेंस में ये बताइए, हजार आदमी हिंदू है, हिंदुओं का नाम पूछ करके आप उनके दुकानों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, बेटरगंज का नहीं, आप बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो ना, कानपुर से बोल रहे हैं, किस इलाके के हैं, बेकरगंज है, चमन पार्क है, कौन से गंज है, बजरिया थाने पे हिंदुओं के दुकानों पे अटैक कर रहे हो, बजरिया पार्क में अटैक कर रहे हो, अरे आप कुछ नहीं करना चाहते, हिंदू ही नहीं है, बहस हो ही नहीं रही, कहां बहस को दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। अजय वर्मा, आपके पास किसने आपको कह दिया कि किसका हाथ है, अभी तो जांच ही नहीं हुई इस पूरे मामले की। अच्छा राहुल जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछना, इसी जुड़ा हुआ सवाल पूछना, जब बुलडोजर चलता है तो क्यों तकलीफ होती है आपको? तकलीफ होगी ना, बुलडोजर गलत लोगों पे चलता है, सही लोगों पे नहीं चलता। कौन से गलत चीज़ बताइए, कहां पे लिखा हुआ है कि दोषियों को आप बुलडोजर चलाइएगा? आपको पता है कहां पे लिखा हुआ है? बुलडोजर कहां पे चलेगा? आप आजादी का मंच कब चलेगा?
अवैध अतिक्रमण नहीं है, अवैध अतिक्रमण सुन लीजिए, विधानसभा से पारित अवैध अतिक्रमण के ऊपर हमको नहीं पता आपको, और आप आपने जानकारी नहीं है, बताइए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार आप तो शांति रखे बैठ जाइए, आप तो शांति पत्थरबाजों को देखिए उनका एक्शन देखिए, दोनों का एक्शन मिल रहा है, अंजित जी अंजित जी इनका भी है और पत्थरबाजों का, अच्छा बताइए अगर लोगों ने धार्मिक शांति प्रदर्शन करने का प्रयास किया और वहां पत्थर लेकर लोग पत्थर लेकर आ गए पत्थर चलाने के लिए, अब ऐसे में लोग कैसे कोई धार्मिक पत्थर चलाने के लिए पत्थर चलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्थर चलाने का बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, असामाजिक तत्वों को प्रवेश करा दिया, ये असामाजिक तत्वों ने प्रवेश कराया गया, अच्छा जांच अब ये जांच कर चुके हैं, असामाजिक तत्वों ने आप जांच कर चुके हैं, मैं बोल रहा हूं आप जांच आपने जांच करके फैसला दे दिया, नहीं मैंने जांच नहीं किया, कोई बात नहीं, वो असामाजिक तत्व है, आप सुनिए सुनिए जो पत्थरबाज है वो असामाजिक असामाजिक है, सुनिए मैं कह रहा हूं वो असामाजिक चलेगा इन पर, अच्छा मैं उधर चलेगा इन पर, चिंता मत, अच्छा मुझे एक बात बताओ आप कानून का हवाला देते हो, बिल्कुल आप ये कह रहे हो आज सामाजिक तत्व है, मैं भी कह रहा हूँ, राकेश जी भी कह रहे हैं जो तो पत्थर फेंक रहे हैं वो सब असामाजिक तत्व है, उनके खिलाफ जो बुलडोजर चलता था तो तकलीफ क्यों होती है, आप बुलडोजर गलत ढंग से चलते हैं, गलत ढंग से क्या होता है वो पत्थर ये गलत बुलडोजर न्याय, बुलडोजर से न्याय नहीं मिलता, बुलडोजर न्याय तंत्र नहीं है, बुलडोजर न्याय तंत्र नहीं है, अच्छा इतना डरते क्यों बुलडोजर से, इतना डरते क्यों बुलडोजर से, मैं कह रहा हूं बुलडोजर न्याय की रंगरेज साहब बुलडोजर से इतना डर क्यों है, रंगरेज साहब बुलडोजर से डर इतना क्यों है, रंगरेज जी जब कोई किसी तरीके की कोई घटना होती है तो उसका मामला कोर्ट में जाता है, हाँ हाँ ठीक बात है, किसी भी संविधान में कानून में नहीं लिखा कि किसी के घर पर आप करके चल रहे हैं, अंग्रेज साहब बुलडोजर गलत चला है तो आप बनाना चाहिए, आप जाएंगे आप नहीं जाएंगे सर, वो सही कह रहे हैं, आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाते, आप नहीं जाते सर, आप नहीं जाते, हमें दिक्कत होती है, नहीं नहीं देखिए मैं कह रहा हूँ केवल एक लाइन में कह रहा हूँ कि आप शांति प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में करना चाह रहा और उसमें असामाजिक तत्व आ गया तो फिर पुलिस की जिम्मेदारी थी ना, किसी ने रोका आपको, नहीं नहीं किसी ने आपको रोका, जिम्मेदारी से प्रदर्शन हो रहा है, गलत बात है, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, पत्थरबाजी क्यों हो रही थी, अरे पुलिस कमिश्नर पत्थरबाजी क्यों हो रही थी, आप बुलडोजर चलाइए, पत्थरबाजी क्यों हो रही थी, इसीलिए संदेह होता है, इसीलिए संदेह होता है कि आखिर आप किस दिशा में जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भुवन जोशी जी, राकेश सिंह जी, अजय वर्मा जी, राहुल लाल जी, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और 10 का दंगल में अपनी बात रखने के लिए, हमें उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी कल घटना हुई, जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई होते हुए हम देखेंगे 10 का दंगल में, इतना ही, रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए सी हिंदुस्तान।